सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हुंडे की नई क्रेटा फेसलिफ्ट 2024 मॉडल क्रेटा एसएक्स पेट्रोल, जो कि आ जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है चेंजेस किए गए हैं। फ्रंट की ग्रिल यहाँ पे चेंजेस की गई है, आप देख सकते हैं। अनलॉक करते हैं तो फोल्डेबल मिरर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको DRLs दी गई है, विथ यहाँ पे डायनेमिक इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। फिर यहाँ पर ड्राइव बीम लैंप यहाँ पे जो है निकाल दिए गए, उसकी जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई बीम लो बीम वाले यहाँ पे जो है वो लैंप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एरोडायनेमिक शेप दिया गया है, आप देख सकते हैं मेट का हिंडे का लोगो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है विथ DRLs के साथ में। डार्क क्रोम यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल जाती है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 195 mm का दिया गया है। क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं विथ यहाँ पे रिवर्स सेंसर भी देखने को मिल जाता है। पीछे का लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार लग रही है। क्रेटा पहले से ही सदाबहार है, आप देख सकते हैं भी यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं। पास में जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो डोर अनलॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करते ही यहाँ पे गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 4x4 पावर विंडोज़ दी गई है अंदर की साइड में। यहाँ पे जो है वो ऑटो फोल्डेबल मिरर और यहाँ पे मिरर एडजस्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिकली यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। अंदर की इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शानदार देखने को मिल जाता है ड्यूल टोन फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रीमियमनेस देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर। तो अभी हम लोग कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। आप देख सकते हैं डिकट्स टाइप यहाँ पर लेदर वेपेड स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है विथ यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं ड्यूल जोन एसी भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है कंपनी ने चेंजेस किया है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पुश बटन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्मार्ट कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है। फुल्ली डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी प्रीमियमनेस देखने को मिल जाती है। अटैच्ड यहाँ पे जो है डिस्प्ले दिया गया है, पैरानोमिक कॉकटेक टाइप डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे जो है वो आप टाइमर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, ऑटो स्टॉप का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर ये जो है वो नेविगेशन सिस्टम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मोनिटर सिस्टम भी यहाँ पर देखने को दिया गया है। फिर यहाँ पर फ्यूल कार्ड काटा और इंजन हीटिंग का काटा दिया गया है RPM का काटे के साथ में। और स्पीडोमीटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारे के सारे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लिंक कनेक्टिविटी इसमें दी गई है। आप देख सकते हैं ओवर द एयर मैप अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बढ़िया फीचर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जियो सावन के साथ में। यहाँ पे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी इनबिल्ट इसमें आ जाता है। उसके साथ आप बात करते हैं यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एसी है जो दूसरे साइड के लिए काम करता है, ये वाला एसी भी जो है वो दूसरे साइड के काम करता है। ये ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों के एसी जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए ऊपर की साइड में, और नीचे यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी एसी को कर देते हैं बंद। गियर नॉब आपको जो है वो लेदर वेपेड यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग टच की जा रही है। रिवर्स कैमरे की बात करें तो आप देख सकते हैं क्लस्टर में भी आपको सेंसर दिए गए हैं और डिस्प्ले पे भी आपको कैमरे में भी यहाँ पर शो होता है। DRBM फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसकी सेटिंग जो है वो आप अलग से यहाँ पर जो है कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे का जो है व्यू भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर जो है सेटिंग्स भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर बढ़िया फीचर्स देखने को दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सी टाइप यहाँ पे नोस दिया गया पावर के आउटलेट के साथ में। USB रीडिंग यहाँ पे USB एक नोस भी दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी शानदार है। उसके साथ यहाँ पे जो है ग्लो बॉक्स कूलिंग दी गई है, जिसे आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे कूलिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे आप देख सकते हैं सूथिंग एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया है। सब वूफर आए यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। ये यहाँ टॉप मॉडल में आ जाता है। ब्लू लिंक फैसिलिटीज़ दी गई है SOS इमरजेंसी के लिए, और टोइंग व्हीकल का दिया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सनग्लास होल्डर दिया गया है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है ओपन होता है, लाइट्स वगैरह ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं ऑल ओवर की। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक जो है आपको जो है सिंपल सा मिल जाता है। और कप होल्डर दिया गया है विथ यहाँ पे आर्मरेस्ट के साथ में।
फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग के सामने यहाँ पे जो मैग्नेटिक टाइप का यहाँ पे दिए गए, आप यहाँ पे इमेज वगैरह चिपका सकते हैं, कुछ चिट्ठी विट्ठी। फिर यहाँ पे जो है आप ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आइडल स्टॉप एंड गो का ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे जो लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, हेडलाइट वगैरह। फिर यहाँ पे स्टेयरिंग जो है आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है, जिसकी वजह से आप जो है स्टेयरिंग अपना ऊपर नीचे वगैरह यहाँ पे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का जो है वो आगे का लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। फिर यहाँ पे वन टच आपको पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो सनरूफ और मूनरूफ दोनों में वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन टच करते ही पूरे का पूरा जो है यहाँ पे पीछे की तरफ जो है वो खुल जाता है। आपकी व्यू यहाँ पे जो है शानदार आने वाला है सनरूफ ओपन करते ही, इसलिए ही क्रेटा है जो डिमांड में रहती है अपने सनरूफ और परफॉर्मेंस की वजह से। तो गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियमनेस दिया गया है। ओपन करते ही यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन ग्रे वाला जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैठते ही आप देख सकते हैं कुशन वाली फीलिंग आ जाती है। लेग रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, थाई सपोर्ट और हेड रूम भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो है वो एसी यहाँ पे वेंट्स वगैरह यहाँ पे चेंज करने को देखने को मिल जाता है विथ चार्जिंग नोज के साथ में। बीच में जो है आपको आमरेज देखने को मिल जाता है विथ यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी आपको लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डोर पे ऊपर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुशन वाला जो है वो पोर्शन यहाँ पे दिया गया है हेडरेस के साथ में। 3 पॉइंट सेट बिल रिमाइंडर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया है ये भी फीचर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से सीटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है पीछे की साइड में। यहाँ पे हैंडल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं वो जो कि एक अलग से यहाँ पे जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। 6 एयरबैग तो गाड़ी में है ही, आप जानते ही हैं। फिर डोर को कर देते हैं बंद। तो अभी यहाँ पे जो है वो अभी चलते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड की तरफ क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे ऊपर की तरफ। शार्क फिन एंटेना ब्लैक कलर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पॉइलर आप देख सकते हैं ड्यूल टोन स्पॉइलर दिया गया है व्हाइट और ब्लैक के साथ में कॉम्बिनेशन में, जो कि एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे प्रोवाइड करता है। शार्क फिन एंटेना यहाँ पे ब्लैक कलर का दिया गया है। डिफोगर ग्लासेस दिए गए हैं रियर वॉशर वाइपर के साथ में। पीछे की लाइट्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। वैसे यहाँ पर कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। एसएक्स की ब्रांडिंग दी गई है, क्रेटा की ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है मेट के ह्यूंडई के लोगों के साथ में। यहाँ पे बूट ओपन करते ही आप देख सकते हैं सामने मिलता है आपको बड़ा सा यहाँ पे पार्सल ट्रे, जो कि एक बढ़िया है ये भी। यहाँ पे बूट लैंप दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें तो 425 लीटर के यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है विथ एडजस्टेबल सीट्स के साथ में। नीचे यहाँ पे स्पेयर व्हील वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको जेक पानाटोमी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 45 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में आप गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट स्पोर्टी और यहाँ पर जो है अल्टीमेट एसयूवी लग रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका फ्रंट का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर लग रहा है मेरे को। ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और यहाँ पे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। फिर बोनट ओपन करेंगे तो बोनट ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पे नज़र आएगा 1.5 लीटर का यहाँ पे MPI पेट्रोल इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये इंजन जो है आपको 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जो है एवरेज देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इंजन में और बॉडी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल हैवी यूज़ किया गया है। इसका बोनट भी काफ़ी ज़्यादा वजनदार लग रहा है मेरे को। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी में और भी यहाँ पे चेंजेस की गई है। प्राइसिंग की बात करें तो SX मॉडल आपको एक शोरूम पड़ेगा यहाँ पे 15,26,000 में। ऑन रोड ये टैक्स वगैरह लगा के ये आपको पड़ेगा 17 लाख के आजू बाजू में। अगर गाड़ी अच्छी लगी और वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप वीडियो पूरी लास्ट तक देख लेते हैं बट चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कर।